मैं डॉक्टर कनवान झा संस्कृत एमए असिस्टेंट प्रोफेसर चंदन कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरी मधुबनी 9 सितंबर 2020 ईस्वी। प्रिय छात्रों, शास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत हितोपदेश पाठ चल रहा है 121 तक हुआ है, आगे 22 दरिद्रयान मरणाद बापी दारिद्र मवरम स्मृतम अल्पकेशेन अल्पक्लेशेन मरणम दारिद्र्यान मति दुःखसहम। पुनः श्लोक दारिद्र्यान मरणाद बाप दारिद्र मरणम स्मृतम अल्पकेशेन मरणम दारिद्र मति दुःखसहम। दारिद्र्यात् मरणाद् बाप अपि दारिद्र्यम् अवरम् स्मृतम् यतः मरणम् अल्पक्लेशेन दारिद्र्यम् अति दुःसहम्। कहने का अभिप्राय है कि दरिद्रता और मृत्यु, इसकी तुलना करने पर दरिद्रता बहुत काल तक सताती है, बहुत काल तक मानी गई है, क्योंकि मृत्यु में थोड़ा काल तक ही क्लेश होता है, परंतु दरिद्रता अत्यंत दुख सहने वाली होती है, चिरकाल तक रहती है। इसीलिए दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। तो दरिद्रता से मरना भला ही अच्छा है, यही कह रहा है। व्याख्या इस तरह है, दारिद्र्यात् दरिद्रत्वात् निर्धनत्वादिति भावः मरणात् मृत्युः अनयोरिति शेखः। दारिद्र्यं दरिद्रत्वं अवरम हीनमित्यर्थः स्मृतम स्मित विषयकृतम यतः मरणम मृत्यु अल्पकेशेन अष्टो दुःखेन भवतीति शेखः। एकता के वैपरीत्य दारिद्र्यम दरिद्रताम अति दुःसहम क्लेशाधिक्येन अत्यंत मारुज्यम भवतीति शेखः। संख्या आगे 23 अन्यंच तानिद्र्यान विकलानि तदेव नाम
सा बुद्धि प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोस मना विरहित पुरख स एव हन्य क्षरण भवती विचित्र में तत्. अविकलानितानि इंद्राणि तत एव नाम अप्रही हताशा बुद्धि तद एव वचनम अर्थोस मना विरहित स एव पुरुष क्षरेण अन्यः भवत एतत् विचित्रम्. अभिक्लानि तानि इंद्राणि कहता है कि अभिकल अपने कार्य में समर्थ वे ही इंद्रियां हैं, वही नाम है. तद एव नाम अपहृता सा बुद्धि किसी विषय में न रुकने वाली सा बुद्धि वही बुद्धि है. तद एव वचनम वही पहले के ऐसा वचन है. अर्थोस मना विरहित स एव पुरुषा क्षरेण अन्य भवति एतद् विचित्रम्. परंतु मन की गर्मी से रहित वही पहले के सदृश पुरुष थोड़े ही समय में दूसरा ही हो जाता है, यह अत्यंत आश्चर्य है. पुनः श्लोक तानिंद्रियान विकलानि तदेव नाम सा बुद्धि प्रतिहता वचनम तदेव अर्थोस्मना विहित पुरख स एव हन्य क्षरेण भवती विचित्र में तत्. व्याख्या इस तरह से अविकलानि वैकल्य रति हितानि स्वस्व व्यापार समर्थानिति भाव तानि पूर्व सदृशानि इंद्राणि ऋषिकाणि चक्षुरादि नीच भाव संकीत शेख तत्तादृशम एव नाम अभिधानम अस्ति अप्रहित हता प्रतिघात रहिता अप्रतिरुद्धेति भाव सा तादृशी पूर्व सदृशिति भाव बुद्धिधि अस्ति तद एव पूर्व सदृशम एव वचनम वचः अस्ति परम अर्थोसमना धनोस्तया विरहित शून्य स एव प्राक्तन एव पुरुष जन क्षरेण अल्पकालेन अन्य अपर अन्यादिश भवति संजायते. एतत् विचित्रम् परमाश्चर्यम् हि निश्चयेन अस्ति इति शेख.
तत् सर्वमाकर्ण्य मया आलोचितम् ममा अत्रावस्थान मलुक्त मिदानिम। एक लाइन गद्य है। कहता है यह सब सुनकर मैंने विचार किया कि इस समय मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। श्लोक संख्या 124। तथा चोक्तम अत्यंत विमुखे दैवे व्यर्थे जचने च पौरुखे मनस्विनो दरिद्रस्य बनादन्यात् कुतः सुखम्। पुनः अत्यंत विमुखे दैवे व्यर्थे यत्ने च पौरुखे मनस्विनो दरिद्रस्य बनादन्यात् कुतः सुखम्। दैवे अत्यंत विमुखे पौरुखे यत्ने च व्यर्थे इति मनस्विनो दरिद्रस्य बनादन्यात् कुतः सुखम्। कहता है कि भाग्य के अतिशय परांगमुख होने पर और पुरुष प्रयत्न के भी निष्फल होने पर मनस्वी दरिद्र पुरुष को वन से भिन्न कौन सा स्थान सुखकर होगा। पुनः अर्थ भाग्य से अतिशय परांगमुख होने पर और पुरुष प्रयत्न के भी निष्फल होने पर मनस्वी दरिद्र पुरुष को वन से भिन्न कौन सा स्थान सुखकर होगा। यानी इन सब होने पर वन ही अच्छा है ऐसे व्यक्ति को यह नीच वचन है। आगे श्लोक संख्या 125। अन्यं च मनस्वी म्रियते कामम। कार्पण्यम न तु गच्छति अपि निर्वाणमायाति नालनो याति शीतताम। मनस्वी कामम म्रियते कार्पण्यम तु न गच्छति अनल निर्वाणम अपि आयाति शीतताम न याति। पुनः श्लोक मनस्वी म्रियते कामम कार्पण्यम न तु गच्छति अपि निर्वाण मायाति नान नलो याति शीतताम। कहता है कि मनस्वी आत्माभिमानी पुरुष भले ही मर जाए परंतु दीन भाव को प्राप्त नहीं होता है। जैसे अग्नि भले ही बुझ जाए समाप्त हो जाए परंतु ठंडा कभी नहीं होता है। व्याख्या मनस्वी ही प्रशस्तितो जनः काम्यं यथेष्टं म्रियते प्राणास्त्यजत् परं कार्पण्यं तु कृपणभावं तु दीनतां तु इति भावः न गच्छति न प्राप्नोति अनलः अग्निः निर्वाण अपि नाशम
अपि आयाति आगच्छति परम शीतताम शीतलताम न याति न प्राप्नोति। श्लोक संख्या 126 किंच कुसुमस्त बकस्ये द्विवृति तु मनस्विनः सर्वे खाम मूर्धनि वा तिष्ठेत द्विश्रियेत बने थवा। मनस्विनः तु कुसुम तबकस इव द्विवृत्ति सर्वेखा मूर्धनि तिष्ठेत अथवा बने बसिर्येत। कहता है कि मनस्वी पुरुष की फूलों के गुच्छे के समान दो प्रकार की स्थिति होती है। सबों के सिर में रहना वा वन में ही नष्ट हो जाना। मनस्विनः प्रशस्तितस्य धनस्य तु कुसुमस्तबकस्य इव पुष्प गुच्छस्य इव द्वि संख्यके वृत्ति व्यापारो भवत इति शेख। के चे इत्याह सर्वेखामिति सर्वेखाम समेखाम जनानामिति भाव मूर्धनि मस्तके तिष्ठेत स्थितिम गुर्जात अथवा जदवा बने अरण्य विसिर्येत विसिर्नो भवेत बिना से दिति भाव। एतान् नस्मै एतद् वृतान्त कथनम् तदमप्युचितम्। जो कि दूसरे पुरुष की यह वृतांत कहना वही भी अनुचित है। श्लोक संख्या 127 यतः अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वचनं चापमानं च मतिमानं प्रकाशयेत। मतिमान अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि वञ्चनम् अपमानं च न प्रकाशयेत। कहता है कि बुद्धिमान पुरुष धन का नाश मन का संताप अपने घर में दुष्चरित्र ठगा जाना और अपमान इनको प्रकाशित न करें। पुनः श्लोक अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वचनं चापमानं च मतिमान प्रकाशये। अर्थ विद्वानों का बुद्धिमानों का पुरुष का
धन का नाश, मन का संताप, अपने घर में दुष्चरित्र, ठगा जाना और अपमान, इनको कभी प्रकाशित न करें। आता है निज वचन, यह अंदरूनी बात है, इसको प्रकाश नहीं करना चाहिए, यह अधर्म है। यतः बुद्धिमान अर्थनाशम ध्यानक्षयम मनस्तापम चित संतापम गृहे गेहे विद्यमानाति शेखः दुष्चरितानि दुष्टचरित्राणि वचनम प्रातरणम अपमानम च अनादरम च न प्रकाशये प्रकाशितम न कुर्यात् कस्मैचिदपि न कथयेदिति भावः। प्रिय छात्रों, 127 हुआ है, महत्वपूर्ण नीच वचन सब है, इसको देखना है।